हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी शबानास किचन। आज मैं आपके साथ एक स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है तवा बोटी फ्राई। तो चलिए तवा बोटी फ्राई बनाते हैं। तवा बोटी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा केजी मटन लिया है। तो सबसे पहले हमें इसे कुक करना होगा, क्योंकि चिकन जो है तो वो डायरेक्टली पकाते हैं, मगर मटन को हमें कुक करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कुकर को चढ़ा दिया है और इसमें मैंने ये 3 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। इसी के साथ जैसे ऑयल गर्म हो जाए, ये आधा अनियन मैंने स्लाइस करके डाल दिया इसमें। तो इसे हल्का सा सॉटे होने देंगे, ज़्यादा इसे क्रिस्प ब्राउन नहीं करना है। तो पिंक कलर एक आने तक इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसी के साथ मैं आपके 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसे भी 1-2 मिनट के लिए सॉटे कर ले, इसका रॉ जो स्मेल है वो जाने तक के। तो अदरक लहसुन भून चुका है, अब हम इसमें अपने मटन को ऐड कर देंगे। तो मैंने बोन और बोनलेस दोनों यूज़ किया। आप चाहे तो सिर्फ बोनलेस का ही बना सकते हैं। तो मैंने के साथ ले लिया, तो इसे थोड़े से मिक्स करेंगे। इसका जैसे ही कलर चेंज होगा, मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़े से नमक, मटन का मैं यहाँ पे हल्का सा नमक ऐड करूँगी। इसे भी मिक्स कर लेंगे, इसे भी थोड़ी देर के लिए 30 से 40 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे, ताकि जो हल्दी का कच्चापन है ये भी चला जाए। तो ये हल्दी भी इसमें भुन चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें इसे कुक करना है। गोश्त को मैं अपने मटन को कुक करना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बाकी जो मटन है वो अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। तो अब इसे ढक्कन लगा के मैं इसे 3 से 4 सीटी आने तक के पकाऊँगी। आप चाहे तो स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए आप इसे कुक कर सकते हैं। उसके बाद जब गोश्त गल जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो ये 3-4 सीटी आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। ये दिखाओ, ये देखिए पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा जो मटन है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए बोटी फ्राई करने के लिए हम अपने मसालों को रेडी करते हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है, ये इस बड़े से बाउल में ऐड करेंगे। इसके साथ ही ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें ही हम 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़े से फूड कलर ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये जो हमारा होममेड गरम मसाला है, इसे 1 चम्मच भर के ऐड करूँगी। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है, ये होममेड है। उसके साथ ये 1/2 नींबू का रस है, ये डालेंगे। और ये बेसन है, इसे 2 चम्मच मैं भर के ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से सब मिक्स करेंगे इन मसालों को। और इसी के साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। नमक याद रहे गोश्त में हमने ऐड किया था, तो उसके हिसाब से ऐड करें। तो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, गोश्त में मेरा नमक परफेक्ट है, इसके लिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून लिया। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें, एक बैटर बना लेना अच्छा सा। ये देखिए, अब इसी में जो हमने अपने जो मटन को कुक करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो पूरा मसाला है हमारा वो इसमें अच्छे से कोट हो जाए। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये मसालों में मटन मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने यहाँ पे गैस पे अपने तवे को भी रख दिया है। तवा गर्म हो चुका, तो मैं इसमें अब थोड़े से ऑयल डालूंगी और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। फ्लेम को आप मीडियम फ्लेम पर ही रखें, वरना मसाले सारे जल जाएंगे। अब एक एक करके हम अपने बोटियों को इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से मसालों के साथ इसमें डालेंगे। तो
इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है। जस्ट मसालों में हमें इसे थोड़ा सा सेकना होगा। थोड़े से ऑयल साइड में भी आप ड्रिजल करेंगे तरीके से, और मीडियम फ्लेम पर इसे तवे को अच्छी तरीके से हर जगह से रोटेट करते हुए इसे सेक लेंगे। कितना अच्छा कलर आया। तो ये कलर आने पर आप इसे पलट के जाएंगे। तो जो बोटी हमारी हो चुकी, इस तरीके से सिक चुकी है, हम इसे पलट देंगे। तमाम बोटियों को इसी तरीके से हम चारों तरफ से पलटते हुए सेक लेंगे। बीच बीच में ऑयल की जरूरत पड़े तो ऑयल को ड्रिजल करते जाइए। तो ये देखिए, चारों तरफ से मैंने चलाते हुए अच्छे से इसे सेक लिया है। देख सकते कितना बढ़िया कलर आया है, कितना अच्छा इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा रहा। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इतना अच्छा कलर है और इतनी अच्छी तरीके से ये सिक चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मैंने प्लेट को पहले से ही मैंने इसे सजा के रखा है। आप अपने पसंद के हिसाब से अपने सैलड्स जो आपको पसंद है ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ अनियन के, टोमेटो के स्लाइस, कुछ मैंने कुकुम्बर के मैंने स्लाइस से अपने प्लेट को डेकोरेट किया। तो मैं इसमें अपने तवा बोटी को मैं इसमें डिश आउट करती हूँ। कितना बढ़िया फ्लेवर, टेक्सचर, कलर, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये तवे पे बना है, ऐसा लगेगा कि आपने इसको तंदूर पे बनाया है। देखिए, तो चलिए उसी तरीके से हम अपने बाकी के भी मटन को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया। तो ये देखिए हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया, तो रेडी है तवा बोटी फ्राई। टेस्टी, डिलीशियस, आप ज़रूर से बनाएं। ऐसा लगेगा कि आपने तंदूर में बनाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।